उसका जो डुअल पेयरिंग मोड है ये काम कैसे करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूंगा कि ये अभी डिवाइस जो है ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है। यू हैव टू पेयर इट टू द नेक्स्ट डिवाइस। यहाँ पर मैं आपको अपने सिस्टम को दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर पेयर करने वाला हूँ। सो एड अदर ब्लूटूथ डिवाइस, ओके, एंड देन ब्लूटूथ। सो आई हैव ओप्पो एम को N32। सो कनेक्टिंग, यस। सो माई डिवाइस इज लिटरली कनेक्टेड टू द सिस्टम। हाँ, तो अभी ये है कि इसमें जब आपको कनेक्ट करना होता है किसी भी डिवाइस से, सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस द टेक्सटाइल बटन फॉर 3 seconds। 3 सेकेंड तक आपको ये प्रेस करना होता है। बट अगर आप स्विच करना चाहते हो अपने नेक्स्ट डिवाइस पे, मतलब ये डिवाइस किसी दो चीज़ों से कनेक्ट होगा, जैसे कि मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है एंड देन इट हैज़ बीन कनेक्टेड टू द सिस्टम, अगर मेरे को इसे अपने वापस फ़ोन से कनेक्ट करना है, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस दिस प्लस एंड नेगेटिव बटन फॉर 2 seconds और ऑटोमेटिकली स्विचिंग हो जाएगी। सो लेट मी शो यू दिस। सो 2 सेकेंड तक प्रेस करना है। सो यस, सो आई विल शो यू। हमारे पास दो डिवाइस है, द फर्स्ट वी हैव इज़ अ मोबाइल फ़ोन एंड द सेकेंड वी हैव इज़ अ PC, ठीक है। तो PC में तो मैंने आपको दिखाया था कनेक्ट करके, अब आई हैव टू शो यू हियर। तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस फॉर 3 seconds, ठीक है। 1, 2, 3 और ये पेयरिंग मोड पे जा चुका है। नाउ आई हैव टू सर्च द अवेलेबल डिवाइसेस इन माय फ़ोन, जो कि है यहाँ पे ओप्पो एनको M32, ओके। तो यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, ओके आई पेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी कनेक्ट हो गया। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि ये बटन कैसे काम करता है। हियर इट इज़ कनेक्टेड टू माई फ़ोन एंड हियर सिस्टम पे यहाँ पे अभी पेयर नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, इन टेक्टाइल्स बटन को प्लस एंड नेगेटिव को मैं दबा के रखूँगा फॉर 2 seconds, ठीक है। इट्स अनकम्फर्टेबल, तो ओके मैंने कनेक्ट दबा के रखा, यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया और यहाँ पे ये पेयर हो गया कनेक्टेड वॉइस म्यूज़िक, ठीक है। अब मैं इसे फिर से 2 सेकेंड के लिए दबा के रखता हूँ, तो यहाँ से ये डिसकनेक्ट हो गया और अब ये फ़ोन पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। सी हाउ फास्ट इट इज़। अरे यार, ये मैग्नेट फिर जुड़ गया, सो इट्स ऑटोमेटिकली शट इट डाउन। तो देखिए मैग्नेट खुला है और ये 3 सेकेंड में फिर से कनेक्ट हो गया। सो अगेन आई विल प्रेस दिस साइड, तो ये यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया एंड नाउ इट्स बीन कनेक्टेड हियर। ये डिवाइस ऐसे काम करता है डुअल पेयरिंग मोड पे, ये मेरे को भी नहीं पता था, ये मैंने वापस से इनकी पुस्तकें पढ़ी है। तो इसीलिए दोस्तों पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब बटन दबाना भी बहुत ज़रूरी है, सो बिल्कुल दबा दिया जाए।